भाई साहब आप महीने के अंदर लगभग कितने पशु सेल कर देते हो? 100 से 120 पशु जो हर महीने सेल करते हैं यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा काम है इनका। थोक विक्रेता है ये, जायज़ कीमत की पशुधन आपको उपलब्ध करवाते हैं। बिक्री के लिए भैंस जाती है हनुमान डेयरी फार्म है रंदाल उपरी के पास, छिपोलापुर में जाते हैं इनके पशु, बिक्री वाले जाते हैं सभी वहाँ पे। बिक्री है रंदाल गांव है उपरी के पास, वहाँ हनुमान डेयरी फार्म के नाम से अपना काम करते हैं वो। परमानेंट हर महीने जाती है, हर महीने 70-80-60 भैंस उनके पास जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदीप और आपका बार बार स्वागत करता हूं ए टू जेड फार्मिंग इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो लेकर के आए जी सैन डेयरी फार्म, गांव है इनका शाहपुर डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से। आज का वीडियो हम कवर कर रहे हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा इनका जो है पशुओं का सेल परचेज का काम है। काफ़ी सालों से पुराना एक्सपीरियंस है इनका, जो भी पशुधन लेकर के आते हैं पूरी डिटेल के साथ लेके आते हैं और साफ़ सुथरा अच्छा पशुधन अपने डेयरी फार्म पे लेना पसंद करते हैं और अपने जो ग्राहक है उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो बाकी डिटेल इनसे हम जानेंगे, जो भी पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है किस रेट में देना है और कितने दूध तक की भैंसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए सारी डिटेल आप वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आपको बताते हैं इन भैंसों के बारे में। और एक भैंस इधर भी डिलीवरी करी है, ये पशुधन आज इनके पास जो खड़ा है इनकी हम डिटेल लेते हैं जी। तो सबसे पहले भाई साहब नमस्कार, तो आपका नाम और गांव एड्रेस दे दें आपका डेयरी फार्म का। नाम अनिल कुमार भाई साहब, गांव शाहपुर। हाँ जी, 10 किलोमीटर गांव है लाल रोड के पास। तो आपका मोबाइल नंबर और दें। 9920434 ये इनका मोबाइल नंबर है। और आपकी जो डिलीवरी सप्लाई है भैंसों की कहाँ कहाँ तक है? पूरे ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। कितने सालों से आप पशुधन बेचने काम कर रहे हो? मेरे को 15-16 साल हो गए, 45 साल हो गए। काफी पुराना एक्सपीरियंस है इनका। तो सर इनके आपके जो डिटेल बताएं पशुधन की जो बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये फर्स्ट ब्याज की है, 15 दिन की है। फर्स्ट ब्याज की है, बिल्कुल छोटा सिंह है आपको दिख रहा है और ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है, मीडियम साइज़ की भैंस है। 10 लीटर अभी मौके पे दूध तैयार है, 15 दिन की भाई साहब ने बताई है, ब्याई हुई है और रेट है इसका 70,000 रुपये। 70,000 रुपये प्राइस है, बिल्कुल मीडियम हाइट की और ज़्यादा रेट भी हाई नहीं है। जैसी भैंस है वैसा ही रेट आपको देखने को मिल रहा है। और ये नीचे इसका जो कटड़ा दिख रहा है भाई साहब, नीचे इसका कटड़ी है, फीमेल काफ है। 2 नंबर पे देखिए जी, काफ़ी शानदार अर्डर की भैंस है, इसके बारे में और बताएं जी। 4 दिन की ब्याई हुई है, जिसमें 11 लीटर दूध है, रेट है जिसका 95,000 रुपये। 95,000 रुपये रेट रखा है, 4 दिन की ब्याई है, 11 लीटर दूध तैयार है मौके पे। कितना दूध और निकाल देगी जी आप? 16 लीटर दूध दे देगी। 16 लीटर दूध की उम्मीद है इससे। और रेट है जिसका? 95,000। रेट है मात्र 95,000 रुपये, बिल्कुल मीडियम रेट है सारे, कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया। जैसा आपको पशुधन दिख रहा है उसी रेट में, बिल्कुल लो प्राइस में पशुधन उपलब्ध करवा रहे हैं ये। और एक ये फर्स्ट टाइमर है वैसे? हाँ फर्स्ट टाइमर, दो दांत कटड़ी है जी, फर्स्ट टाइमर, परसों ही बच्चा दिया है, बिल्कुल कच्ची भी आई है, किससे खाली हुई है अभी, बिल्कुल रिंग सिंह की, छोटे जमा जो बोलते हैं ना हरियाणा में, चमनी नहीं बचती उस तरह का सींग है इनका। और नीचे क्या जिसके? इसके भी शायद कटड़ी है, नीचे कटड़ी है। इसका दूध कितना तैयार हुआ अभी? अभी तो 6 लीटर है, इससे खाली तेवी का 6 लीटर है, बाकी 10-12 किलो निकाल देगी। हाँ 12 लीटर, 12 लीटर दूध की भाई साहब कह रहे हैं। रेट जी? 95,000। इसका रेट है जी 95,000 रुपये, काफ़ी ऊंची लंबी आपको दिख पा रही है जी वीडियो के अंदर, हाइट लेंथ अच्छी है झोटी की। और ये 4 नंबर पे भैंस है, कौन से ब्यांत कीजिए? ये फर्स्ट ब्यांत की बता रहे हैं, उम्र से थोड़ी बड़ी लग रही है, कई बार किसान भाइयों के पास
रिपीट खाली रह जाती है, ऐसे मत समझना कि ये दूसरी बार की भाई। आप अड्डर को थनों को देख करके पता लगा सकते हैं पहले बार की दूसरे बार की। काफ़ी ऊंची ऊंची तकड़ी तकड़ी भैंसे हैं भाई साहब के पास। इसका रेट वगैरह जी? इसका रेट 1,05,000। 1,05,000 रुपये रेट रखा है। और दूध कितना तैयार है जी? 13 लीटर दूध तैयार है मौके पे, कंडे पे आपको तुलवा के देंगे। यहाँ पे सभी किस्म की सस्ती भाई, आप बच्चे देख पा रहे हैं जी है? और आगे ये 5 नंबर पे भैंस है, ये सेकंड दूसरे बार की ब्याई है, 5 दिन की ब्याई, और 10 लीटर दूध मौके पे तैयार है। मुत्तर मार्ग से लेके आगे तक अड्र है और बिल्कुल छोटे थन है, जिसमें मस्टाइटिस इन्फेक्शन वगैरह आने का बहुत ही कम चांस रहता है। चौड़ी पीठ की और छोटे सिंगों की बहुत ही अच्छा अच्छा पशुधन सिलेक्ट करके लेके आते रहते हैं यहाँ पर। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भाई का काम है, पुराना सेल परचेज का। इसका रेट वगैरह कितना है जी? 92,000 रुपये फिक्स प्राइस है, कम ज़्यादा होते थोड़ा बहुत कम हो जाता है। थोड़ा बहुत मौके पे अगर कोई लेने वाला आता है तो उस टाइम पे कर देते हैं। और आगे ये सेकंड बैच की जब अभी भी बिक्री की है, ये दूध निकला हुआ है आधा घंटा पहले दूध निकाला गया है, इसका बिक्री कर दिया भाई साहब ने। दूसरे ब्यांत की है, बढ़िया अच्छी हाइट लेंथ की जोड़ती है ये। इसका किस रेट में खरीदी भाई साहब? 1,08,000 रुपये में दी है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया पशुधन आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और नीचे इसका बच्चा जी, तो आप ये जी बिक्री के लिए है? ये बिल्कुल ताज़ी भाई है, अभी 5-4 मिनट हुए इसको बच्चा दिए हुए। इसकी क्या डिटेल है जी? सेकंड दूसरे बार की ब्याई है अभी ये, पहले बार में 15 लीटर दूध दिया है इसने। थनों का पाउच आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा, कोई ढीलापन नहीं है। ये नीचे मेल काफ है, काफ़ी हैवी बॉडी वेट का। इसका रेट भी 1,20,000। 1,20,000 रुपये दूध कितना दे देगी? 17-18 लीटर दूध बोल दें जी, ये निकाल देगी इतना तो। साइज से काफ़ी बड़ी भैंस है। आपका जो मैक्सिमम प्राइस रहता है वो किस रेट में आप उपलब्ध करवाते हैं स्टार्टिंग जो? कस्टमर की डिमांड के ऊपर है, 70,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक की ले लो। जितना कस्टमर पैसा देगा जिस रेट में उनको लेनी है वो जैसा देगा वैसे ही लेगा, जैसा गुड डालोगे ऐसा ही मीठा होगा। आप 1,00,000 वाली बोलोगे तो 1,00,000 दिलाएंगे, अगर 85,000 में लेना चाहोगे तो 85,000 मिलेगी। और जिनका फीडिंग क्या होता है दाने चाने में? ये बस कड़ चोरी छिलका ये देते हैं जी। और जो दूध बताया अपने पूरा भी मौके पे तैयार है सभी के? हाँ, सबको तैयार है, दो टाइम माफ करके देंगे। अगर कोई ले जाने के बाद इनका दूध बढ़ेगा ये दाने रहेगा दूसरे जगह? बढ़ेगा, ये तो कच्चे बच्चे हैं ना अभी, अच्छा बढ़ेंगे दूध, अभी तो 2-3 किलो और बढ़ाएगी। वैसे बिल्कुल कच्ची भाई है जी, और थोक विक्रेता है पशुओं के। अगर कोई भाई सेल परचेज का काम भी करना चाहे तो आपसे पशु लेकर के आगे बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे भी महाराष्ट्र में कोल्हापुर में इनके यहाँ से पशु जाते हैं और आगे जाके बिक्री होती है, तो अगले बंदे को भी सेल परचेज का काम चलवाते अपने यहाँ से पशु दे करके। बिल्कुल जायज़ कीमत की पैसे लेने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। 10, 12, 15, 20 जितनी आपको मर्जी चाहे भैंस ले सकते हैं जी। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा सेट है इनका, या बाहर की व्यवस्था देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ सफाई है। महीने के अंदर लगभग कितने पशु सेल कर देते हो? 100 से 120 पशु जो हर महीने सेल करते हैं यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा काम है इनका। थोक विक्रेता है ये, जायज़ कीमत की पशुधन आपको उपलब्ध करवाते हैं। बिक्री के लिए भैंस जाती है हनुमान डेयरी फार्म है रंदाल उपरी के पास, कोल्हापुर में जाते हैं इनके पशु, बिक्री वाले जाते हैं सभी वहाँ पे। बिक्री है रंदाल गाँव है उपरी के पास, वहाँ हनुमान डेयरी फार्म के नाम से अपना काम करते हैं वो। परमानेंट हर महीने जाती है? हर महीने 70-80-60 भैंस उनके पास जाती है। अच्छा, 70-80 भैंसे एक ही जगह पे जा रही है हर महीने, तो काफ़ी अच्छा साफ सुथरा काम है, तभी इनका साथ जो व्यवहार बनाया हुआ है इतने सालों से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, भाई के लिए कुछ बोलना चाहिए वो भी कमेंट में बताएं, और इनका नंबर जो है दे दिया गया है आप।